हेलो टू योर ओन यूट्यूब चैनल गेट वाला एम ई सी एंड एच सी माई नेम इज अभिषेक भारतीय गेट ऑल इंडिया रैंक वन थर्टी सिक्स एंड आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ टीम द्रोना और मेरे दोस्त हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं दो लेक्चर बचा है एक आज और दूसरा कल और इस लेक्चर्स में हम लोग कवर कर तेरह नंबर अचीव करने वाले यस और नो और मेरे दोस्त मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो शैलो फाउंडेशन आपने कवर किया क्या वो अच्छे से आपके क्वेश्चंस बने जो हमने कल क्वेश्चंस आपको कराए थे क्या आप जाके जब पीवाई लगाए तो जो जो पॉइंट मैंने बोला था कि फॉर्मूला बेस्ड होता है डायरेक्ट आपको बहुत चीज पूछा जाता वहां पर अप्लाई करना पड़ता है क्या वो सारी चीज आपको मिले अगर मिले तो आपसे क्वेश्चन बने होंगे अगर आपने प्रॉपर क्लासेस अटेंड की होगी है ना सो so, मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं आप ये हो गया ऐसा क्वेश्चन आपसे बने होंगे है ना तो फटाफट चैट सेशन को लाल कर दोगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन गोइंग टू स्टार्ट द सेशन डीपीपी जा चुकी है बेटा लास्ट लेक्चर का भी उससे पहले का भी है ना चलो ओके okay. ठीक है बेटा देख लेंगे देख लेंगे ओके चलिए 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 सो लेट्स मूव ऑन सो डीप फाउंडेशन शुरू करने जा रहे हैं डीप फाउंडेशन शुरू करने जा रहे है डीपीपी आज की आपको नहीं गई है जो आपका डीप फाउंडेशन उसका नहीं जाएगा आपका शेलो फाउंडेशन के लिए दो डीपीपी मैंने दिया है तो आप देख लेना उसको ठीक है चलो स्टार्ट किया जाए फिर स्टार्ट किया जाए एकदम स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तो मेरे दोस्त डीप फाउंडेशन मतलब आपको जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कंस्ट्रक्शन इज एट अ सर्टेन डेप्थ ठीक है आपका जब सॉइल लूज है या अगर मैं बोलूं कि आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है उस केस में आप डीप फाउंडेशन दे रहे होते हो है ना या आपका स्वेलिंग प्रेशर हाई है या आपका क्या बोलते हैं अपलिप प्रेशर ज्यादा मिल रहा है उन सब सिचुएशन आप ये दे रहे होते हो तो जो पाइल्स है उन पाइल्स को क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट यूज डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन ठीक है चार तरीकों से क्लासिफाई किया गया है तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस सुनना बात को ध्यान से सब लोग सब चीज आपको एक एक तरह के समझ में आ जाएगा तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस अब समझोगे ये आपका पाइल है है ना? पाइल दिस इज पाइल ओके एंड दिस पाइल इज रेस्टिंग ओवर अ हार्ड स्ट्राटा दिस पाइल इज रेस्टिंग ओवर अ हार्ड स्ट्राटा ये जो पाइल है रेस्ट किस पे कर रहा है ये रेस्ट कर रहा है ओवर अ हार्ड स्टार्टा ठीक है विच कैन बी आर द लोड इट इज रेस्टिंग ओवर हार्ड स्टार्टा ठीक है मेरे दोस्त इट इज रेस्टिंग ओवर द हार्ड स्टार्टा तो आप अगर कोई लोड लगा रहे हो अप्लाइंग तो द एनी लोड तो जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा दैट रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बॉटम रेजिस्टेंस इज गोइंग टू ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बॉटम ठीक है मेजर जो रिसोर्स होगा मेजर जो रेजिस्टेंस होगा वो बॉटम से होगा यह विजुअलाइज कर पा रहे हो अगर आपने नहीं कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा डोन्ट वरी देखो यहां पर तो द रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बॉटम और इसको हम क्या बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं मेरे दोस्त क्यू ई बी क्यू बी का क्या मतलब है क्यूबी का मतलब है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस क्यूबी का मतलब है एंड बियरिंग रेजिस्टेंस तो इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कहां से आ रहा है बॉटम से आ रहा है तो हम क्या लिख लीजिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट जो एंड बियरिंग से आ रहा है बोलो बोल सकते हैं क्या जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉटम तो क्यू अल्टीमेट हम लिख रहे हैं सिंपल क्यू ईबी ठीक है बात तो ऐसे पाइल को हम क्या बोल दिए ऐसे पाइल को हम क्या बोल दिए वी रेफर सच पाइल एज अ एंड बियरिंग पाइल वाई वी रेफर्ड एज एंड बियरिंग पाइल वाई वी रेफर्ड एज अ एंड बियरिंग पाइल बिकॉज द रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बॉटम बिकॉज द रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द बॉटम ठीक है चलिए सर तो दिस यू ऑब्जर्व फॉर एंड बियरिंग पाइल ये आपने क्या किया है बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस आप क्लासिफाई कर रहे हो और पहला जो क्लासिफिकेशन में आया है डेट इज योर एंड बियरिंग पाइल पहला जो आया दैट इज द एंड बियरिंग पाइल चलिए अगला बात हम कर रहे हैं अगला बात हम कर रहे हैं देखो यहां द पाइल लेंथ इज नियरली टेन मीटर टू ट्वेंटी मीटर और कोई सपोर्ट नहीं है यह किसमें लूज सॉइल में इट इज इन द लूज सॉइल कैसे सॉइल प्रेजेंट है लूज सॉइल प्रेजेंट है तो अगर लूज सॉइल में प्रेजेंट है तो जो रेजिस्टेंस आना है वो कहां से आएगा जो रेजिस्टेंस मिलेगा जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहां से मिलेगा बताओगे बोलो यार जो रेजिस्टेंस आपको मिलना है दैट रेजिस्टेंस लूज है द रेजिस्टेंस विल बी ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द साइड आपको जो रेजिस्टेंस मिलने जा रहा है वो रिस्टेंस आपको कहां से मिलने जा रहा है द रिस्टेंस ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द साइड द रेस्टेंस जो बॉटम से रेस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा ठीक है तो मेजर जो डोमिनेशन होगा वो किसका होगा वो आपका फ्रिक्शन का होगा ठीक है तो इसको हम बोलते हैं क्यू एस एफ क्यू साइड फ्रिक्शन क्यू एस एफ मतलब साइड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बहुत डिटेल में पढ़ने वाले एक चीज सर यहां पता बता मैं क्या करने वाला हूं फाउंडेशन में आपको फॉर्मूला रटना पड़ा था। फाउंडेशन में फॉर्मूला रटना पड़ा था ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा यू ठीक है प्रॉमिस है. है सारा फॉर्मुला यहां है ना क्लियर है हा बॉटम का नेग्लेक्ट मानेंगे बॉटम नेग्लेक्ट मानेंगे और क्या लिख रहे हो ओनली साइड को एकदम तो यहां पे मेरा क्यू अल्टीमेट क्या हो गया दैट इज इन द लूज सॉइल जब आपके बॉटम पे कोई रेस्ट नहीं कर रहा है जो सारा रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड्स ठीक है तो ये आपका पाइल क्या कहलाया फ्रिक्शनल पाइल फ्रिक्शन पाइल क्लियर है बात इस पाइल का नाम क्या हमने दिया फ्रिक्शन पाइल द रेस्टेंस इज ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द साइडेंस ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम द साइड इज दर जो रेस्टेंस मिल रहा है एंड बियरिंग में फ्रॉम द बॉटम से मिल रहा है एंड बियरिंग में दाइल इज रेस्टिंग ओवर द हार्ड स्टार्टअर रेस्ट कर रहा है उसमें बैठा है तो जो भी लोड लगा रहे हो सारा रेस्टेंस कहा हार्ड स्टार्टअप ठीक है फ्रिक्शन है लेकिन वो नेग्लिजिबल है सिमिलरली जब यहां पे बात करें फ्रिक्शन पाइल तो जो भी आप लोड लगा रहे हो तो मेजरली रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा है द मेजर रेजिस्टेंस ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड बॉटम रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इसलिए नाम क्या पड़ा फ्रिक्शन पाइल चलिए सर अगला बात करने जा रहे हैं हम लोग बोथ ऑब्वियसली बात अब दोनों की बात होगी अब दोनों की बात होगी नाउ लेट अस से द पाइल इज रेस्टिंग in medium to dense soil medium to dense soil medium to dense soil the soil is resting the medium to dense soil now here what you will see that the resistance is observed not only from the sides the resistance is observed not only from the sides but ऑल सो फ्रॉम द बॉटम डैट मीन्स एंड बियरिंग मिलेगा और क्या मिलेगा साइड फ्रिक्शन मिलेगा मतलब यहां पर क्यू अल्टीमेट क्या हो गया एंड बियरिंग प्लस साइड फ्रिक्शन ठीक है यह दोनों होगा यह दोनों होगा तो ऐसे पाइल को हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन एंड एंड बियरिंग पाइल यासे लिख लो एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल ठीक है बात कोई इश्यू नहीं है

क्योंकि दस तारीख को सर का पेड कोर्स खत्म हो रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है ना थोड़ा सा क्लास चल रहा है इसी कारण से चेतन सर सत्रह तारीख से शुरू कर रहे हैं ठीक है बात और इंजीनियरिंग मैकेनिक जो आपका आगे होना था वो पहले कर दिया है क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो ठीक है भाई चलो यहां पे ध्यान दो यहां पे ध्यान दो देखो यहां पे मेरा भी YouTube में नहीं आएगा बेटा अब बाकियों को भी आने दो मैं ही पढ़ाते रहूंगा तो कैसे चलेगा यह टीम का गेम है यह एक का गेम नहीं है मैंने पहले भी बोला है और यह बात हमेशा याद रखना दिस नॉट इंडिविजुअल गेम गेम डियर फ्रेंड टीम का गेम है है ना और यहां पे पूरी टीम इज वेल एनफ मैंने पहले ही बोला था कि आज मेरा जो भी नाम है मेरे टीम के कारण है राइट और यह हमेशा रहेगा चलो अब देखो यहां पे तो मेरे दोस्त ये सारी बातें जो भी आपको लिखी हुई है एक एक बात आपको लिखा हुआ है जो अभी आपको जस्ट समझाया है ना अब देखो आगे नाउ द सेकेंड पार्ट इज बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन अब क्या होता है कुछ फाइल्स होते हैं कुछ फाइल्स होते हैं जो ऑलरेडी फैक्ट्री से बन के आते हैं है ना कुछ फाइल्स होते हैं जो आपको फील्ड में कंस्ट्रक्ट होते हैं सुनना बात को ध्यान से तो जो पाइल फैक्ट्री से बन के आते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा उनको जनरली हम क्या करते हैं ड्राइव करते हैं ठीक है हम जनरली क्या करते हैं और जो भी लोड लगाते हैं उस पर लगाते हैं है ना? तो ये जो ड्रिवेन पाइल होता है हम अभी बात करें डिस्प्लेसमेंट पाइल का तो मान लो ये मेरा सरफेस है, है ना एंड दिस इज माई पाइल आई अप्लाई द लोड सो एट द पाइल गोज इन साइड तो जब पाइल नीचे जाएगा तो एडजेसेंट सॉइल को क्या करेगा डिस्प्लेस कर रहा होगा एडजेसेंट सॉइल को क्या कर रहा होगा डिस्प्लेस कर रहा होगा हम जनरली कैसे के लिए पाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर द लूज सॉइल तो अगर लूज सॉल के लिए पाइल ड्राइव कर रहे हैं तो क्या सॉइल फर्दर डेंसीफाई हो जाएगा सोच के देखना सोच के देखना बोलो 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 तो मेरे दोस्त देर इज अ पाइल पाइल जो आपके सरफेस पे है यू अप्लाई द लोड एंड यू ड्राइव इट इन साइड द सॉइल ठीक है तो इस ड्रीविंग के कारण आपका जो सॉइल है जिसमें ये पेनिट्रेट कर रहा है वो साइड घसक रहा होगा और जनरली क्योंकि हम लूज सॉइल तो के लिए करते हैं तो लूज के केस में आपको नहीं लगता कि जो एडजस्टेंट सॉइल है वो क्या होने वाला है वो आपको फर्दर डेंसीफाई होने वाला है अरे बोलो यार ये yes नो no? तो यहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा पाया जाता है लेकिन यही अगर बोर्ड पाइल है मान लो आपने गड्ढा किया कॉन्क्रीटिंग की पाइल वहां बनाया तो आपने पाइल ड्राइव नहीं किया आपने वहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया और ले जाके उसमें क्या कर दिया बोरिंग करके उसमें पाइल को कंस्ट्रक्ट किया है तो उस सिचुएशन में आपका लूस लूस वाली रह गया डेंस तो हुआ नहीं और अगर डेंस नहीं हुआ तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गया कम हो गया क्या बोलो यार तो यहां पे हम जनरली क्या लिखते हैं क्यू अल्टीमेट फॉर बोर्ड पाइल्स इज नियरली वन थर्ड ऑफ क्यू अल्टीमेट फॉर ड्रिवेन पाइल्स इज इट क्लियर टू एवरी बोलो मेरे दोस्त क्यू अल्टीमेट फॉर बोर्ड पाइल्स इज नियरली इक्वल टू क्यू वन थर्ड ऑफ क्यू अल्टीमेट फॉर ड्रिवन पाइल क्यों सर क्योंकि जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो सॉइल क्या हो रहा है कॉम्पैक्ट हो रहा है लेकिन जब आप बोरिंग करके उसमें कंक्रीट भर रहे हो और पाइल पूरा उसको कंक्रीट एक सॉलिड ब्लॉक बना रहे हो तो एडजस्टेंट सॉइल क्या हो रहा है डिस्टर्ब नहीं हो रहा है लूज सॉइल फर्दर डेंसीफाई नहीं हो रहा है जिसके कारण मेरा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका ज्यादा होगा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा ड्रिवन पाइल का ज्यादा कितना टाइम ज्यादा बोर्ड से तीन गुना ज्यादा क्लियर है बात वाईवी वी में यूज बोर्ड पाइल्स कारण है कि अगर तुम देखो डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कितना जैसे बोर्ड पाइल है पाइल का लेंथ छोटा तो होता नहीं है पाइल काफी बड़ा होगा हेवी होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है ये इकोनॉमिकल कम होता है driven piles are less economical, क्यों? मानो बड़ा है. आप हैमर के थ्रू कर रहे हो inside, तो टूटने दु, दु, का चांस है या नहीं है तो ऑल वो हैवी है सब कुछ है डेंसीफाई ज्यादा कर सकता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो डेंसीफाई तो कर सकता है लेकिन वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इकोनॉमिकल आपको क्या होगा कम होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा इकोनॉमिकल कम होगा इसी कारण से वी गो फॉर द बोर्ड पाइल्स इन द मोस्ट ऑफ द क्योंकि उतना डिमांड नहीं होगा उतना मेरा स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्लियर है बात अरे बोलेगा चलो नाउ द नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन है ना तो पहला है कॉम्पैक्शन पाइल नाम से ही क्लियर है कॉम्पैक्शन का पाइल का काम क्या है फंक्शन है क्या रोल प्ले करता है? है ना देखो 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 ब्रिज के कॉलम में देखो यहां कॉलर कॉम्पैक्शन पाइल तो पाइल का काम क्या है यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग लिए यूज होता है कहां पर यूज करता है एज अ रिटेनिंग वॉल डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ डैम है ना तो ये सारे में आ गए शीट पाइल आगे पढ़ेंगे अंडर पाइल अगर सॉइल एक्सपेंसिव है तो पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस एक्सपांसिव नेचर को क्या करता है वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर देखा है आपने वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर देखा है तो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर मानो आपने बनाया अब कोई बोट आ रहा है, है ना? कोई बोट आ रहा है और पानी जाके साइड में उसको टकना है, है ना? तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक पार्टीशन देना पड़ेगा ना एक गैप मतलब एक आ, रो बनाना पड़ेगा कि भैया जब पानी आ, जब बोर्ड आके टकराए तो मेरे जो साइड्स है वो इफेक्ट ना हो तो हम क्या करेंगे पे फेंडर पाइल अलोंग द लेंथ हम दे देंगे ताकि मेरा मेन जो स्ट्रीम हो डिस्टर्ब ना हो क्लियर है बात मैथ्स इस वीक शुरू हो रहा है मैथ्स इस वीक शुरू हो रहा है मैं सोच रहा हूं ना कि

और हॉरिजॉन्टल लोड लोड को रेजिस्ट रेजिस्ट करने के लिए जो पाइल पाइल दिया जाता है, देखो, क्या होता है? पढ़ाएंगे बेटा आगे. इस टू अंडर तो क्योंकि यहां पे क्या होता है एरिया बढ़ जाता है एरिया बढ़ जाता है ठीक है तो सब आगे डिस्कस करेंगे ठीक है भाई बोलोगे सो दीज आर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्शन तो आपसे हो सकता है MSQ में या फॉलोइंग करके कोई सवाल पूछ दे आप out of this. तो आपको क्लियर होना चाहिए चलिए पाइल आपका वुड से बना हो हो सकता है pile आपका पाइल जो है वो सैंड पाइल हो हो सकता है वो स्टील पाइल है हो सकता है वो कास्ट आयरन पाइल एंड मोर ठीक है मोर वाटर के फ्लो में ब्रिज के कॉलम में वेल फाउंडेशन पढ़ाए थे वेल फाउंडेशन पढ़ाए थे वेल फाउंडेशन बताए थे ओके देखेंगे अब पे तो सर ये हमने सारे क्लासिफिकेशन की बात कर ली तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो बच्चे लेट जुड़े हैं तो पाइल में हमने क्या पढ़ा कि पाइल में हमने ये पढ़ा डेट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन ज बेस्ड ऑन मैटेरियल यूज इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस यही हमने पढ़ा है कितने तरीके के पाइल बनेंगे अगर मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस तो कितने तरीके के पाइल बनेंगे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पाइल पहला एंड बेयरिंग पाइल दूसरा आपका फ्रिक्शन पाइल तीसरा आपका एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल अगर आप फ्रिक्शन एंड की बात कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉटम बॉटम से रेजिस्टेंस मिल रहा होगा है ना? The pile is resting over the hard strata. Next, अगर मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो लूज सॉइल है 10 से 20 मीटर का पाइल का लेंथ है, मीडियम टू डेंसलर्व फ्रॉम रेजिस्टेंस मिल रहा है और बॉटम से मिल रहा है है ना दिखो गया गया।, दिखो गया, गया।, दिखो गया, दिखो गया गया सुनो 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 द देखोगे ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम अब आगे अगर बात करते हैं अब आगे अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन तो हमने दो तरीके पाइल पढ़ा ड्रिवेन एंड बोर्ड पाइल तो ड्रिवेन पाइल में क्या बोला हमने इट इज H2, मतलब है 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 हम drive कर रहे हैं तो तो जिसके कारण क्या हो रहा है? Densify हो रहा है, तो load carrying capacity रहा है. लेकिन यही अगर board pile है तो हमने क्या किया किया हमने उसमें पाइल किया तो वहां पे क्या हो रहा है the soil is not getting densified, to that extent. तो उसका लोड कैरिंग कम होता है तो हमने क्या बोला क्यू बोर्ड इज वन थर्ड ऑफ क्यू ड्रीवन अगला बोला बेस्ड ऑन फंक्शन तो बेस्ड ऑन द फंक्शन वी हैव द शीट पाइल वी हैव द फेंडर पाइल बैटर पाइल कॉम्पैक्शन पाइल अंडर इम पाइल ठीक है अगला बोला बेस्ड ऑनरियल वुड किया क्लियर है बात तो अभी तक कितना पढ़ा है मेरे दोस्त अभी तक कितना पढ़ा है हमने अभी तक कितना पढ़ा है हमने, हमने? हमने? भाई क्लियर है सबको चलो देखो अब यहां पे अब सर अगर आपको याद होगा तो हमने जब फाउंडेशन की बात की थी शैलो फाउंडेशन का तो वहां पे चार पैरामीटर निकाले थे यहां नहीं निकालेंगे क्यों नहीं निकालेंगे क्योंकि मेरे दोस्त आप जो भी लोड लगा रहे हो पूरा एक कॉन्क्रीट एलिमेंट पे जा रहा है उसके बीच में कोई मिट्टी आ रहा है क्या आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो मानो ये आपका पाइल है तो पूरा लोड जो आ रहा है वो तो इसी पे जा रहा है बीच में कोई मिट्टी आ रहा है क्या

है ना सेफ लोड है ना सेफली रहे सेफ रहे फेल नहीं हो तो क्यू सेफ क्या हो गया क्यू सेफ क्या हो गया नथिंग बट क्यू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी खत्म यहां तो डायरेक्ट बनेगा यहां तो कोई लोचा भी नहीं है तो क्यू सेफ बराबर क्यू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक कोई डाउट अब सर आगे बात करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल कैसे सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी तो सबसे पहला है स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड तो अब देखो यहां पे कौन कौन सा मेथड पढ़ेंगे वी लर्न अल्फा मेथड वी लर्न लर्न अल्फा मेथड वी विल लर्न लैम्डा मेथड वी विल लर्न डेल्टा मेथड ये सब मेथड है मेरे दोस्त और ये सबसे सवाल आया हुआ है गेट में फ्रॉम ऑल द मेथड्स ऑलरेडी दस कम और सर भरोसा रखना ये सारे मेथड आपको याद हो जाएंगे भरोसा रखना ये सारे मेथड आपको याद हो जाएंगे Promise. Promise. आपको फॉर्मूला मतलब एक बस झलक आपको दिमाग में होना चाहिए ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो आप डिराइव कर जाओगे ठीक है ना उस तरीके से पढ़ा दूंगा डायनामिक मेथड जो फील्ड पे होता है जहां पे आपका दो फॉर्मूला है एक आपका इंजीनियर्स न्यू फॉर्मूला दूसरा आपका हिले फॉर्मूला दो फॉर्मूला एक है इंजीनियर्स न्यू फॉर्मूला दूसरा आपका हिलेस फॉर्मूला तो ये दो फॉर्मूला आपका है करेंगे इसको भी देन पाइल लोड टेस्ट एसपीडी कोन पेनीट्रेशन ये तीन आपके मेथड है ठीक है ये तीन आपके मेथड है तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट दैट इज एनालिटिकल मेथड लेकिन एनालिटिकल मेथड में जाने से पहले कुछ बातें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए ठीक है समझोगे बात को ध्यान से सर हमने बोला अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड बियरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन बोलो हा ना यही होगा अगर अगर मैं जनरल बात करूं तो रेजिस्टेंस बॉटम से भी आएगा रेजिस्टेंस साइड से भी आएगा अरे बोलेगा हा ना रेजिस्टेंस बॉटम से भी आएगा रेजिस्टेंस साइड से भी आएगा अरे बोलो यार अरे बोलो यार यस देखो यहां पे तो अगर मैं ये बोलूं कि साइट से जो रेजिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस वो है आपका क्यू एस एफ वो है आपका क्यू एस एफ ठीक है जो साइड रेजिस्टेंस है दैट इज क्यू एस एफ है ना साइड फ्रिक्शन या क्या बोल रहा है भाई साइड फ्रिक्शन या साइड फ्रिक्शन एक ही बात है फ्रिक्शन अच्छा एक ही बात है देखो अब यहां पे दूसरा रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो बॉटम से मिल रहा है तो अगर मैं स्ट्रेस के टर्म में लिखूं तो स्मॉल क्यू एंड बेरिंग लिख रहा हूं ठीक है सर अब ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज एक्टिंग ओवर एन एरिया है ना तो अगर मैं क्यू एस एफ की बात करूं तो ये सरफेस पे लग रहा है अगर मैं क्यू एस एफ की बात करूं तो ये एक सरफेस पे लग रहा है तो यहां पे जो एरिया मल्टीप्लाई होगा वो सरफेस एरिया होगा अरे बोलो यार क्यू एस एफ के साथ जो अगर हमको लोड निकालना है तो जो एरिया मल्टीप्लाई होगा जिस एरिया पे लग रहा है उसी पे होगा ना तो एरिया कौन सा है सरफेस एरिया है और अगर मैं एंड बेयरिंग पे देख रहा हूं तो ये एंड बेयरिंग किस पे लग रहा है एंड बेयरिंग किस पे लग रहा है दिस एंड बेयरिंग इज एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन यह एंड बेयरिंग किस पे लग रहा है क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है तो मेरे दोस्त यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं स्मॉल क्यू एंड बेयरिंग इनटू एरिया एट बॉटम प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन इनटू एरिया ऑफ साइड्स एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस अब सर देखो इसको और थोड़ा एलोबोरेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा मान लो पाइल का लेंथ है एल मान लो पाइल का लेंथ क्या है एल द लेंथ ऑफ द पाइल इज एल सर बहुत ईजी है सर सर बहुत ईजी है चीजें बहुत आसान हो जाती है अगर हम समझ के पढ़ते हैं वही चीज मुश्किल हो जाती है अगर हम रट के पढ़ते हैं तो रटना छोड़ो समझना सीखो सब समझ में आ जाएगा देखो यहां पे तो पहला मैं बोल रहा हूं क्या रेक्टेंगुलर पाइल है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है बी बाई बी या रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर पाइल है स्क्वायर पाइल है बी बाई बी का और दूसरा है आपका योर सर्कुलर पाइल सर्कुलर पाइल ऑफ डायमीटर डी ऑफ डायमीटर डी तो हमको बताना है व्हाट इज द एरिया एट बॉटम हमको बताना है कि व्हाट इज द एरिया एट बॉटम और दूसरा हमको बताना है व्हाट इज द एरिया एट साइड्स बहुत इजी है सर बहुत इजी है है कि नहीं है सर आपका क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर लेंथ है एल व्हाट इज द एरिया एट बॉटम व्हाट इज द एरिया एट बॉटम बोलो सर व्हाट इज द एरिया एट बॉटम बताएंगे द एरिया एट बॉटम इज हाउ मच नथिंग बट बी स्क्वायर यस और नो द एरिया एट बॉटम इज नथिंग बट बी स्क्वायर स्क्वायर की बात हो रही है स्क्वायर की बात हो रही है एरिया एट बॉटम इज बी स्क्वायर सर्कुलर की बात करोगे एरिया एट बॉटम पाई बाई फोर डी स्क्वायर पाई बाई फोर डी स्क्वायर ठीक है सर ये भी समझ में आ गया एरिया एट साइड साइड एरिया साइड एरिया क्या हो जाएगा देखो पेरीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया टाइम्स एंड दिस मल्टीप्लाई हो हो गया गया क्या क्या लेकिन यही अगर मैं सर्कुलर ले रहा हूं तो मेरा सर्कम पस क्या हुआ? पाई डी एंड दिस मल्टीप्लाई विथ एल पाई डी एल इज इट क्लियर टू ऑल अरे बोलेगा एनी वन any है यही सब गलती कर देते हो सारा आते हुए यही पे गलती करते हो सारा आते हुए यहां पर गलती करते हो तो अब सबसे पहले मूव करते हैं अब सबसे पहले मूव करते किसके लिए फॉर कोहेजिव स सर सॉइल का जो रेजिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा सोच के जरा देखे तो सॉइल का अगर रेजिस्टेंस आ रहा है सॉइल फेल किस में करेगा शीयर में राइट तो अगर आप लोड लगा रहे हो पाइल नीचे जाना चाह रहा है तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो शीयर में आएगा यस सुनना बात को ध्यान से सुनना बात को ध्यान से आराम से एक एक बात समझेंगे कुछ नहीं है सर बहुत आसान है प्योर कोहेज इट्स अ सी स्वाइल यू हैव टेकिंग अ प्योर द लेंथ इज एल ठीक है अब सर सोच के देखना अगर मैं साइड फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो ये साइड फ्रिक्शन यहां पे किसके कारण होगा स्वाइल और जो पाइल मटेरियल है उसके बीच में शेयर का इफेक्ट दिखेगा बोलो या हाँ ना। उसके बीच में शेयर का इफेक्ट दिखेगा अगर मैं दो पार्टिकल पकड़ू अगर मैं दो पार्टिकल पकड़ू दोनों स्वाइल पार्टिकल है सर सुनना बात को ध्यान से रटना नहीं पड़ेगा जीवन भर यह बात सुन लो पहले अगर मैं दो स्वायल पकड़ू और इनके बीच में अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ निकालना चाहूं अगर मैं दो सॉयल पार्टिकल पकड़ू और इनके बीच में शेयर स्ट्रेंथ निकालना चाहूं कि कितना शेयर है जो ये विद स्टैंड कर सकता है बिफोर मूवमेंट तो शेयर कितना लिखोगे तुम हा सर यहां पे शियर कितना लिखोगे यूल राइट शेयर इज नथिंग बट इक्वल टू कोहेशन यू विल राइट शेयर इज नथिंग बट इक्वल टू कोहेशन बोलो यार आप यही लिखोगे शियर बराबर कोहेशन होगा इट्स अ प्योर इट्स अ सी सॉइल एस बराबर सी प्लस एंड टेन फाइव फाइव इक्वल टू जीरो जो आपको मिला है दो सोइल पार्टिकल के बीच में मिला है ये जो रेजिस्टेंस आपको मिला है दो सोइल पार्टिकल के बीच मिला है लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं बिटवीन अ पार्टिकल एंड बिटवीन द पाइल मटेरियल अब हम जो बात करने जा रहे हैं तो बिटवीन द सोयल पार्टिकल एंड द पाइल मटेरियल होगा तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा सोच के बताना तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा सोच के बताना वो रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा कम मिलेगा अबे ज्यादा कैसे मिल जाएगा यार बॉन्डिंग होगी ही नहीं वो बॉन्डिंग होगी ही नहीं ज्यादा कहां से मिल जाएगा कम होता है कम होता है ठीक है तो अब देखो यहां पे तो सबसे पहले बात करें क्यू एस एफ क्यू एस एफ क्या हो गया क्यूएसएफ देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं अल्फा कोहेशन दिस अल्फा इज इन एज एडेशन फैक्टर दिस अल्फा इज रेफर्ड एज एडेशन फैक्टर अगर यही दो सॉयल के बीच में होता तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता वन हो जाता क्योंकि यहां पे सॉयल और पाइल है तो ये क्या हो गया अल्फा का वैल्यू लेस देन वन आपको सवाल में दिया हुआ होगा आपको मैं पहले वैल्यू लिखवाता था, था अभी गेट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सवाल में दिया होगा ठीक है ना हाँ तो पाइल के साथ कम होगी रेस्टेंस कम मिलेगा खत्म देखिए यहां पे एडेशन फैक्टर देखिए यहां पे तो अल्फा हो गया एडेशन फैक्टर उसी चीज को एनकाउंटर करने बात लिखा गया ठीक है तो अगर आप लिख रहे हो क्यू एस एफ तो क्यू एस एफ क्या हो गया अल्फा इंटू सी इन टू एरिया ऑफ साइट यहां पर कोई डाउट किसी को यहां पर कोई डाउट किसी को बोलोगे ना मेरे दोस्त अब अगर हम बॉटम का बात करें तो हमने बोला था मेयर ऑफ थ्योरी इज द मोस्ट जनरलाइज थ्योरी याद है मेरा दोस्त हमने बोला था मेयर ऑफ थ्योरी इज द मोस्ट जनरालाइज थ्योरी यही बोला था हमने देखो यहां पर तो अब क्योंकि यहां पे आप सिर्फ बॉटम की बात कर रहे हो तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ये जो क्यू एंडरिंग है दिस इज नट सी एन सी दिस इज नथिंग बट सी एन सी ये और कुछ नहीं है सी एन सी है अब यहां पे एन सी का वैल्यू क्या बोला नाइन यहां पे एन सी का वैल्यू क्या बोला नाइन ठीक है तो यहां पे आप अगर बात करो क्यू एंड बेयरिंग तो क्या हो गया क्यू ई बी प्लस क्यू बी इन एरिया एट बॉटम दाइन सी ए बी अच्छा अब अगर यहां तक मुझे बात समझ में आ गई अब यहां तक अगर मुझे बात समझ में आ गई तो सर अगर मेरे को अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना हुआ देखना यहां पर क्यू अल्टीमेट तो हमने क्या बोला क्यू एंड बेयरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन है ना यही बोला हमने तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त नाइन सी ए बी प्लस अल्फा सी ए एस तो अभी काम ये करते हैं इसको सी बार दे देते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए अब ये जो कोहेशन है और दूसरा जो कोहेशन है दोनों में अंतर है ये जो दोनों कोहेशन है ये दोनों अंतर है मत को ध्यान से अब अगर हम पहला कोहेशन का बात कर रहे हैं तो ये पहला कोहेशन कहां पे है ये जो नाइन सी ए भी लिखे ये जो कोहेशन है कहां पे? है दिस कोहेशन इज एट बॉटम जो पाइल का बॉटम जो पाइल का बॉटम लेवल है क्योंकि आप एंड बियरिंग की बात कर रहे हो तो जो पाइल का बॉटम लेवल है उस पर बात हो रही है ये सब समझना जरूरी है इसी पे घुमाता है आपको क्वेश्चन एट द देशन एट बॉटम ऑफ पाइल क्लियर है बात क्वेश्चन एट बॉटम ऑफ पाइल ठीक है और ये जो सी बार आपने लिखा है ये सी बार क्या है ये जो सी बार आपने लिखा है ये सी बार क्या है सर दिस सी बार इज द एवरेज कोहेशन सुनना बात को ध्यान से एवरेज कोहेशन कोहेशन अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल यहां तक कोई डाउट किसी को ज द्वेशन अलोंग देंगते कैसे आपसे सवाल पूछ सकता है कितने लोगों को समझना है कि सर यह एवरेज क्वेश्चन लिख तो दिया लेकिन सर एवरेज क्वेश्चन निकालेंगे कैसे सर ये सी तो चलो डाटा में गिवेन होगा एरिया बॉटम डाटा में गिवेन होगा सब कुछ डाटा में गिवेन होगा हाँ सर मेयर ऑफ कॉन्स्टेंट बेटा आपका मेयर ऑफ कॉन्स्टेंट वहां से आया हुआ है और ग्रेटर डेप्थ मेयर ऑफ साहब ने चालो फाउंडेशन के लिए आपका 5.7 था लेकिन ये अगर डीप में जाओगे तो वैल्यू बदल जाता है हाँ भाई देखो यहां तो मेरे दोस्त मान लो एक सिचुएशन है मान लो एक सिचुएशन है फोकस करके सुनना सर जिंदगी बहुत आरामदेह हो जाएगी फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज वेरी इजी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट फोकस ऑन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फॉर्मूला क्योंकि जो लोग फॉर्मूला पे चलते हो बस फॉर्मूला पे ही जी जाते जीवन उनकी कभी आगे बढ़ती नहीं है देखो मैं Okay. तो यहां सर फोकस करके सुनना जो बात बोलने चाह रहे हैं एक बार में क्लियर होगा सारी बातें ये लेंथ आपका L1 है ये L2 है ये L3 है ये L4 है ठीक है। इधर स्वाल का एडेशन फैक्टर अल्फा कोहेशन वन कोशन C1 अल्फा टू C2 टू अल्फा थ्री सी थ्री अल्फा फोर सी फोर यह आपको गिव है द डायमीटर ऑफ द पाइल इज डी द डायमीटर ऑफ द पाइल इज डी ये आपको गिवन है तो सर एक एक करके पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्यू एंड बियरिंग आराम से चलेंगे सर कोई हड़बड़ी नहीं है तो क्यू एंड बियरिंग क्या हो गया एंड बियरिंग रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ एरिया एट बॉटम तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस हो गया नाइन सी और एरिया बताओ यहां पे कौन सा सी होगा वन टू थ्री या फोर या एवरेज वन टू थ्री या फोर या एवरेज जल्दी से बताओगे वन टू थ्री या फोर या एवरेज सी बार सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर डिवाइडेड बाई फोर क्या होगा क्या होगा क्या होगा या एप्लीकेशन में इशू है यार सब कुछ बता देंगे क्वेश्चन देंगे सब खत्म हो जाओगे हाँ भाई बोलो 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 फोर होगा अभी बताया था ना कि भाई बॉटम पे जो क्वेश्चन उसको लेना है अब यहां पे थ्रू आउट यूनिफॉर्म है मतलब कौन सा आ गया सी फोर आ गया समझ में आया सबको ये बात सबको समझ में आया ये छोटी छोटी गलतियां मेरे दोस्त जो आप लोग एग्जाम में करके आते हो सब कुछ आने के बाद भी आप ये गलती करके आते हो सी फोर अगला देखो क्यू साइड फ्रिक्शन हम थोड़ा होशियार है हम क्या करेंगे ना क्यू साइड फ्रिक्शन निकालने के लिए देखो ये पार्ट में हम बोलेंगे क्यू एस एफ वन ठीक है ही तो आ रहा है यार इस पार्ट में हम बोलेंगे क्यू एस एफ टू इस पार्ट में बोलेंगे क्यू एस एफ थ्री है ना और लास्ट पार्ट में बोलेंगे क्यू एस एफ फोर देखो आसान हो गया क्या एवरेज वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया एवरेज वाला सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो क्यू एस एफ हम क्या लिख रहे हैं क्यू एस एफ वन प्लस क्यू एस एफ टू प्लस क्यू एस एफ थ्री प्लस क्यू एस एफ अब ये क्या हो जाएगा एक एक करके अगर बात करते हैं तो अल्फा वन सी वन और ए एस वन क्या हो जाएगा वन इज नथिंग बट पाई इन डी इंटू एल वन प्लस क्यू एस एफ टू क्या हो गया अल्फा टू सी टू इंटू पाई इंटू डी इंटू एल टू प्लस क्यू एस एफ थ्री हो गया अल्फा थ्री सी थ्री इंटू पाई डी एल थ्री प्लस क्यू एस एफ फोर क्या हो गया अल्फा फोर सी फोर पाई डी एल फोर सर कुछ है क्या इसमें कुछ है क्या इसमें बोलो तो कुछ है क्या इसमें अरे बोलोगे. और फाइनल में आपने क्या किया फाइनल में आपने क्या किया क्यू एंड क्यू अल्टीमेट इज टू क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू सर्टिफिक्शन खत्म आंसर आ गया इज इट क्लियर इज इट क्लियर इजी है ना कुछ है ही नहीं यार फॉर्मूला को अप्लाई करना है ढंग से वही आपको नहीं होता है उसी में प्रॉब्लम होती है समझ में आया इज़ द जी क्लियर है सबको चलो गुड 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 सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इसी में क्लेई सॉइल में अगर लैमडा मेथड है तो लैमडा मेथड क्या बोलता है कि अगर इट्स अ लॉन्ग पाइल आपको सवाल में दिया होगा कि लॉन्ग पाइल है सवाल में लिखा होगा लॉन्ग पाइल और बोल रहा है कि यूज लैमडा मेथड अभी तक गेट में एक बार इस पर सवाल आया हुआ है मेथड पे एक बार सवाल आया हुआ है तो क्या बोलता है कि आप जो साइड फ्रिक्शन निकाल रहे हो ना वो कम निकाल रहे हो ठीक है आप जो साइड फ्रिक्शन निकाल रहे हो वो क्या निकाल रहे हो कम निकाल रहे हो मतलब आप बोल रहे हो कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है बट अगर लॉन्ग पायल है तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा माना जाता है तो ये सारा आपका कैसा है ये सारा आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो दे रहा है तो क्या बोलता है कि क्यू अल्टीमेट इज क्यू एंड बेयरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन तो एंड बेयरिंग क्या लिख रहे हो क्यू बी इंटू एरिया बॉटम क्यू साइड फ्रिक्शन क्या लिख रहे हो साइड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ एरिया एट साइड्स यही लिख रहे हो तो देखो सब कुछ सेम आ रहा है अंतर कहा आएगा समझो सी ए भी क्लियर है यहां पे टर्म आएगा लैमडा लैमडा एफेक्टिव स्ट्रेस प्लस टू टाइम्स कोहेशन मल्टीप्लाई विथ एस मल्टीप्लाई विथ एस तो ये बात यहां पे लिखा गया किस केस में फॉर द केस ऑफ द लॉन्ग पाइल फॉर द केस ऑफ द लॉन्ग पाइल अब समझोगे यहां पे डिफरेंस बाकी सब सेम है बाकी सब सेम है अंतर आता है लैमडा पे लैमडा इज अ कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवेन होगा लैमडा इज अ कांस्टेंट। सिग्मा बार इज द एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस अलोंग लेंथ ऑफ पाइल अलोंग लेंथ ऑफ पाइल एंड सी बार

नहीं करना है आपने जो पहले पढ़ा था वही करना है फॉर द कोजिस ठीक है तरीका क्या होगा तरीका क्या होगा देखो यहां पे व्हाट विल बी द वे ऑफ सॉल्विंग दिस व्हाट विल बी द वे ऑफ सॉल्विंग दिस फोकस करेंगे अगर आपको जैसे सिग्मा का बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस लीनियर वैरी कर रहा है तो आपका जीरो वाले पॉइंट से लेके पहले लेयर पे जीरो वाले पॉइंट से पहले लेयर पे समथिंग प्लस जीरो बाई टू आगे बढ़े समथिंग प्लस समथिंग बाई टू समझ लो ना वैसे एवरेज निकलेगा और बाकी तो आपका क्वेश्चन के लिए बता ही दिए ठीक है ओवरबर्डिंग में बिल्डिंग का लोड का इंक्लूड करना होगा क्या यहां पे बिल्डिंग का लोड क्यों इंक्लूड करोगे है ना भैया क्वेश्चन कब होता है पहले क्वेश्चन तब ना होगा जब पहले न्यूमेरिकल पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे पहले क्वेश्चन पे कूद पढ़ोगे क्या फायदा पहले देख लो यार ना एक ही बार में पहले कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है सर क्वेश्चन पे कूदा दो

सिग्मा बार प्लस टू सी ठीक है ये आपका चेंज आया बाकी सब सेम था ठीक है ना देखो अब पे देखो अब यहाँ पे सर अब जो बताने जा रहा हूं ना मतलब ये इतना प्यारा चीज है ना मतलब आपने बोला होगा सर ये हम कितना बार पढ़ा है लेकिन सर फॉर्मूला रट रट के परेशान है ये मेरी गारंटी सर मजा आने वाला इस चीज में ये मेरी गारंटी मजा आने वाला इस चीज में ठीक है ना देखो अब यहाँ पे इट्स माई गारंटी सर आपने यहाँ पे जब तक जब भी फॉर्म रटा हुआ इतना लंबा चौड़ा फॉर्मलेस सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर इतना इजी कर दूंगा ना सर तुम्हारे लिए देखो फॉर फॉर द द देखेंगे मेरे दोस्त बोला ना जब से रनिंग पे जा रहा हूं ना प्यास बड़ा लग रहा है सेकेंड डे था रनिंग का देखिए देखिए तो एंड बियरिंग रेजिस्टेंस एंड बियरिंग रेजिस्टेंस देखेंगे समझेंगे सर अब यहां पे मेरा स्वाइल कैसा है द इज अ पाई ऑयल द स्वाइल इज अ पाई अल राइट द सोइल इज अ पाई अल देखो यहां पर द सवाल इज ऑफ आई ठीक है नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरा यहां जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है यहां जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है अब सबने बचपन में पढ़ा है कि अगर मुझे नॉर्मल लोड पता है अगर मुझे म्यू पता है तो मुझे मुझे फोर्स पता है यस और नो बोलो मेरे दोस्त पता है क्या ये सबको पता है क्या बचपन का पाप है बचपन का पाप है यस यस तो एफ बराबर आप क्या बोलते हो एफ बराबर आप बोलते हो म्यू टाइम्स एन म्यू क्या बोलते हो जो एंगल बनता है उसी के लिए बोलते हो है ना तो म्यू बराबर हम क्या बोल रहे हैं टैन डेल्टा टैन डेल्टा एंड दिस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाईविथन आपको डेल्टा सवाल में दिया होगा आपको डेल्टा सवाल में दिया होगा तो म्यू बराबर मल्टीप्लाईविथन अब देखो यहां पे ये नॉर्मल फोर्स कौन देगा ये जो नॉर्मल फोर्स आपको दिख रहा है ये कौन देगा ये नॉर्मल फोर्स आपको अर्थ प्रेशर देगा जो मिट्टी आप के पास में आपके सराउंडिंग में है यही आपको दे रहा होगा बोलो यार अरे बोलो यार यस यस तो यहां पे क्या हो गया दिस इज यहां पे एक्टिव सिचुएशन ले रहे के ए इंटू गामा इंटू एल ठीक है तो मेरे दोस्त अगर मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ एरिया अगर मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे एवरेज स्ट्रेस एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ एरिया एरिया क्या होगा वट इज द एरिया वट इज द एरिया दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ साइट्स दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ साइट्स तो मेरे दोस्त यहां पे अगर मैं फ्रिक्शनल साइड फ्रिक्शन निकालना चाहूं क्यूएसएफ तो मेरे को क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है इट इज नथिंग बट म्यू टाइम्स एन म्यू इज नथिंग बट डेल्टा एंड एन इज नथिंग बट के ए गामा एल बाई टू मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ साइड्स यस और नो सर रटना पड़ेगा फॉर्मूला रटना पड़ेगा फॉर्मूला बोलो तो क्या ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा सच बोलना दिल से पूछ के बोलना सर रटना पड़ेगा क्या अरे बोलो यार दिल से पूछ के बोलना यार रटना पड़ेगा ये फॉर्मूला आज के बाद में जीवन में कभी ये फॉर्मूला रटाएगा नहीं सर मैं डेल्टा भूल गया टैन लगाना भूल गया कहीं पे मैं के नहीं लगाना मैं मैं गामा नहीं लगाया याद से बाद ही मत भूलना ठीक है ना बिकॉज एवरीथिंग इज अंडरस्टूड कैसे आया ये आप समझ गए और जिस दिन आप ये समझ गए ना कैसे आया सर उस दिन रटना छोड़ दो जीवन में रटना भूल जाना अब यहां पे अब बात करते हैं एंड बियरिंग पे अब बात करते हैं एंड बियरिंग पे तो सर मेयर ऑफ थ्योरी पे वापस जाते हैं क्या बोला था सी एन सी अल्फा सी एन सी गामा डी के जगह एल है एंग क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एंग गामा ठीक है अब कोहेशन जीरो है देखो यहां पे क्या होगा देखो यहाँ पे क्या होगा ये जो गामा एल एंग क्यू है दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन पॉइंट फाइव गामा बी एंड गामा क्योंकि बी बहुत कम है है ना तो इसी कारण से आपका क्यू एंड बेरिंग क्या बन गया नथिंग बट गामा एल एंग क्यू हो गया आसान हो गया कुछ है क्या कुछ है क्या खत्म ओवर क्यू एस एफ ये हो गया आपका दिस इज योर क्यू एस एफ सर आपने थ्योरी पढ़ा था ना सी एन सी गामा एल एन गामा डी एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी गामा डी के जगह एल रख दिया आपका क्वेश्चन नहीं है वैल्यू जीरो कर दिया और क्या बोला जो गामा 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 क्यू है दिस इज मच ग्रेटर देन गामा गामा। तो रिजल्ट आ गया मेरा रिजल्ट आ गया ठीक है भाई बोलोगे तो अगर मैं इसको समराइज करूं अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्या मेरे को दिख रहा है मेरे को दिख रहा है क्यू अल्टीमेट इक्वल टू गामा एल एन क्यू अच्छा यहां पे मेरे को क्या करना होगा एक चीज और करना होगा दिस इज स्मॉल तो मल्टीप्लाई विद एरिया एट बॉटम तो गामा एल एन क्यू मल्टीप्लाई विथ एरिया एट बॉटम क्योंकि ये तो आपका रेजिस्टेंस है प्लस यहां पे हमको क्या दिख रहा है हाफ के ए गामा एल टैन डेल्टा मल्टीप्लाई विथ एरिया सर ये फॉर्मूला देख के आधो की बैंड बच जाती है ये फॉर्मूला देख के आधो की बैंड बच जाती है सही बात है क्या वो ग्रेटर क्यों होगा लेंथ इज वेरी हाई कंपेयर टू डेट ऑफ द ब्रिथ आपका जो लेंथ है वो काफी हाई होता है इन कंपेयर टू डैट ऑफ द ब्रिथ या बोले डायमीटर या आपका ब्रथ ठीक है देखो यहां पे साइड फ्रिक्शन में क्या क्या अगेन बेसिक समझो म्यू टाइम्स एन फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू टाइम्स एन तो एफ बराबर क्या हो गया म्यू हो गया टेन डेल्टा एन कहां से आएगा जो आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर लग रहा होगा वहां से आएगा तो आपका जो वर्टिकल मल्टीप्लाई विद अर्थ प्रेशर को ठीक है वो आपका हॉरिजॉन्टल दे रहा है एवरेज लेना है तो बाई टू क्योंकि ऊपर वाला जीरो है और लीनियर वेरिएशन है तो ये आपका एवरेज स्ट्रेस हो गया क्या हो एरिया क्या होगा सरफेस एरिया होगा एन दे देगा क्लियर है बात अरे बोलोगे कृष्णा क्लियर है भाई बोलो यार इज इट क्लियर टू एवरी अब मजा आएगा अब अगर आपने बात समझ गया तो मेरा अगला सवाल का तुम जवाब दे दोगे कितने लोग मेरे अगले सवाल का जवाब देना चाहते हो कितने लोग मेरे अगले सवाल का जवाब देना चाहते हो बोलो अगर तुमने यहां पे एक एक कॉन्सेप्ट समझ गए हो अब सर कुछ नहीं रटना है कुछ नहीं रटना है कैसा भी करीब करीब कैसा भी सवाल दे दे आप जवाब दे दोगे अब सर तुम सोच के बताना कैन वाटर रेजिस्ट एनी शेयर इज द अर्थ प्रेशर को विजन कैन वाटर रेजिस्ट एनी शियर नो वाटर कैन नॉट रेजिस्ट एनी शियर राइट नाउ लेट अस से इफ दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड लेवल पे है जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल पे है तो उस सिचुएशन में क्या अंतर आएगा पहले वाले में एंड बियरिंग में कोई अंतर नहीं आएगा एंड बियरिंग में कोई अंतर नहीं आएगा साइड फ्रिक्शन के, के केस में क्या अंतर आएगा लेट अस से सम्मर्ज हम गामा सम्मर्ज लिख रहे हैं गामा डब्ल्यू है क्या अंतर आएगा अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे है मतलब सॉइल सम्मर्ज स्टेट में है तो उस केस में इस फॉर्मूला में क्या अंतर आएगा एन में चेंज होगा कैसे चेंज होगा वाटर प्रेशर लगाएगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन की नहीं लगाएगा वाटर हॉरिजॉन्टल प्रेशर तो लगा रहा है वाटर हॉरिजॉन्टल प्रेशर तो लगा रहा है लेकिन क्या वर्टिकल लगाएगा क्या वाटर में भी तो बॉटम में अरे तो वाटर कहां से यहां पे पानी ऊपर था प्रेश कुछ भी बोलते हो यार वाटर वर्टिकल में प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा अभी मैंने बोला अभी मैंने बोला द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द वॉटर इज जीरो तो ऑल द वॉटर वर्टिकल आपको हर्जोंटल लगा रहा था बट क्या उसका इफेक्ट बट क्या उसका इफेक्ट नहीं रहेगा रे मूर्ख नहीं रहेगा Osionfish. आपको जो एफेक्ट अगर समर्ज है तो आपको जो एफेक्ट दिख रहा है सिर्फ सॉलिड के कारण दिख रहा है जो रेजिस्टेंस आ रहा है सिर्फ सॉलिड के कारण आ रहा है और सिर्फ सॉलिड के कारण आ रहा है तो यहां पे गामा के जगह क्या हो जाएगा यहां पे गामा के जगह क्या हो जाएगा गामा समर्ज आ जाएगा अगर वाटर टेबल है और ऐसा सिचुएशन होता तो यहां पे गामा की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता गामा जा जाता मजा आया सर ये होता है कॉन्सेप्ट अरे कॉन्सेप्ट सीखोगे तब तो न्यूमरिकल बनाने के लायक बनोगे अभी तुम लायक ही नहीं हो न्यूमरिकल बनाने के लिए तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो है ना सर तो अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गया तो एक न्यूमरिकल देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देखो कि आपको एक सिचुएशन हम देते हैं मजा आएगा मजा लाना है कि नहीं लाना है सर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है है ना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप दे दो सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं है क्या ही फर्क पड़ता है सर कुछ भी दो सर है ना क्या ही फर्क पड़ता है सर तो थ्रू आउट द सेम सॉयल डेल्टा आपको गिवन है डेल्टा आपको गिवन है ऊपर में गामा है और नीचे में गामा समर्ज हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको उसी को यूज करना है ऊपर तो में गामा नीचे में गामा सम्मर्ज इधर लेंथ हम बोल रहे हैं L1, नीचे में हम बोल रहे हैं L2, ठीक है एल वन एल टू और क्या जरूरत पड़ेगा और क्या जरूरत पड़ेगा आपको सवाल में एन क्यू गिवेन है आपके सवाल में एन क्यू है, है ना आपके सवाल में के एक गिवेन है यहां पे लिख रहे हैं के यहां पे लिख रहे हैं के ये आपको गिवेन है? है ना बस यही आपको गिवेन है ये आपका सर्कुलर फुटिंग है ऑफ डायमीटर डी ये आपका सर्कुलर फुटिंग है ऑफ डायमीटर डी दिस सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर डी दिस सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर डी एंड इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इन दिस सिचुएशन वी नीड टू फाइंड अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन तो अगर मैं एंड बियरिंग की बात करूं तो ये तो बड़ा आसान है ये तो बड़ा आसान है बोलो यार ये तो बड़ा आसान है ना आप जो गामा लोगे वो गामा बॉटम का लोगे जो आप गामा लेने वाले हो गामा कहां से लोगे बॉटम का लोगे और बॉटम में किस स्टेट में सम्मर्ज स्टेट में तो वहां पे क्या लोगे गामा सामर्ज जा आ जाएगा क्या बोलो यार आपका यहां पे इस लेवल पे आप बात कर रहे हो सैचुरेटेड कैसे होगा यार भैया जो रेजिस्टेंस दे रहा होगा पानी थोड़ी दे रहा होगा पानी थोड़ी ऊपर तरफ लोड लगा रहा होगा गामा समर्ज इंटू एल वन प्लस एल टू गामा एल एन क्यू यही हो जाएगा यही हो जाएगा बोलो यार यही हो जाएगा अगला मैं बात कर रहा हूं क्यू साइड फ्रिक्शन तो इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं क्यू एस एफ वन और क्यू एस एफ टू बहुत आसान है सर आराम से समझो आराम से समझो अगर मैं डायग्राम बनाऊं फोकस करेंगे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा देखो अगर मैं वेरिएशन बनाऊं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस का तो ऐसा ही बनेगा हम यहां पे पानी का प्रेशर नहीं लेंगे हम यहां पे पानी का प्रेशर नहीं लेंगे या अलग अलग करके बना लेते हैं यार क्योंकि ऊपर में पानी है नीचे में नहीं है है ना ओके देखिए यहां पे तो मेरे दोस्त इस पार्ट में आपका वैल्यू क्या के गामा एल वन यही होगा के गामा एल वन यही होगा और अगर मैं दूसरे पार्ट का बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या होगा ये एक तो आपका के गामा एल वन एज इट इज आ गया ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दूसरा क्या आ गया मेरे दोस्त के गामा समर्ज इनटू एल टू बोलो यार सोर नो यसोर नो एक आया के गा एल वन दूसरा आया आपका के गामा सम्मर्ज इन टू एल टू राइट तो सबसे पहले हम बात करते हैं हा सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूएसएफ वन का तो क्यू एस एफ वन आपने कहा दिया है क्यू एसएफ वन आपने यहां दिया है ये आपका पार्ट क्या है क्यू एस एफ वन ठीक है एंड व्हाट इज क्यू एस एफ टू वट इज योर क्यू एस एफ टू ये पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपने क्या बोला दिस इज योर क्यू एस एफ टू देखो अब यहां पर तो क्यू एस एफ वन क्या हो गया आपका आप अगर देखो तो इतना ही पोर्शन को आपको कंसिडर करना है तो यहां पे क्या हो जाएगा सबसे पहले टैन डेल्टा कर लो के के लिए, N के लिए पहले एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई एवरेज स्ट्रेस क्या हो गया के गा एल वन कोई डाउट यहां पे किसी को? कोई डाउट यहां पे किसी को अरे भैया फाइस वाले तभी तो डेल्टा गिवेन है भाई दिमाग लगाओ ना चलो हाँ भाई क्लियर है पॉइंट तो क्यू एस एफ वन कैसे आया इज इट क्लियर एनी वन हैविंग एनी डाउट इन क्यू एस एफ वन अगला निकालते क्यू एस एफ टू देखो यहां पे ध्यान से क्यू एस एफ टू तो टैन डेल्टा डेल्टा सेम है एवरेज स्ट्रेस अगर बात कर रहे हो तो एवरेज स्ट्रेस क्या है ए गामा एल वन प्लस ये नीचे वाला वैल्यू उ मच के गामा एल वन प्लस के गामा समर्ज एल टू डिवाइडेड बाई टू यही हो गया ना एवरेज एंड मल्टीप्लाई विदू मल्टीप्लाई विथ पाई डी एल टू अरे सर सिर्फ फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन क्या कॉन्सेप्ट भी बड़ा है क्या बोलो यार सिर्फ फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन क्या कॉन्सेप्ट भी बड़ा है क्या बोलो यार क्लियर है क्या क्लियर है क्या अगर क्लियर है तो भाई चार्ट सेक्शन लाल हो जाए क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज आपको किसी समय में डर लगते थे आज ये सारा दिमाग में सेट हो चुका है यस yes, आज ये सारा दिमाग में सेट हो चुका है चलो 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 देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कुछ है नहीं यार है ना हम रिटेनिंग वॉल पे बेवकूफ इंसान हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगाता है तो so हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना शियर है पानी तो प्रेशर लगाता ही है ना आपने जब टैंक्स पड़ा होगा या आपने जब वो पड़ा होगा गेट्स होगा तो गेट पे पानी का प्रेशर लगता है कि नहीं लगता है तो नॉर्मल प्रेशर है ना थोड़ी ना शियर प्रेशर है वाटर इज नॉट रेजिस्टिंग द वर्टिकल डायरेक्शन वो शियर है ये टल है अभी आएगा क्यूईबी में एंड बेरी में क्यों आएगा भाई मैंने अभी जस्ट बोला ऐसे लगाता है ऊपर नहीं लगाता है चलो क्लियर है बात क्लियर है बात बोलो भाई तो कुछ नहीं है बहुत इजी है सब कुछ आसान है प्रोवाइडेड आप समझना चाहो ठीक है अब यहां पे मेरे दोस्त देखो क्या होता है यहां जाता जाते है अगेन आप यहां पे क्या कर रहे हो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ठीक है सुनो यहां पे ध्यान से QSF2। देख भाई सुनना करो जब बोलते रिवाइज कराते सुना करो क्यू एस एफ टू क्या बस एवरेज स्ट्रेस का ही कॉन्सेप्ट है ना तो एक स्ट्रेस मिनिमम ये हुआ मैक्सिमम डिवाइड बाई टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई टू खत्म मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई टू अरे हो गया क्लियर हो गया क्लियर देखिए मैं यहां पे तो क्या बोलता है क्या बोलता है कि सर सर आप यहां भी क्या कर रहे हो ना ये जो रिजल्ट आप ले रहे हो ना ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो क्या बोलता है कि ये जो स्ट्रेस है ना आफ्टर अ सर्टेन लेवल आफ्टर अ क्रिटिकल हाइट ये स्ट्रेस क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है द स्ट्रेस बिकम कांस्टेंट ठीक है द स्ट्रेस बिकम कांस्टेंट तो टेल अ क्रिटिकल हाइट दैट इज ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी टाइम्स ऑफ डाया इस पर भी सवाल आया हुआ है देखो यहां पर क्या बोलता है दैट टिल अ पर्टिकुलर डेप्थ ये लीनियर वैरी करेगा बट आफ्टर दैट इट विल बी अ कांस्टेंट इट विल बी अ कांस्टेंट तो टिल अ डेप्थ दैट इज क्रिटिकल लेंथ एलसी एलसी क्या बोल रहे हैं टेन टू ट्वेंटी टाइम्स ऑफ डाया आपका लीनियर वैरी कर रहा है उसके बाद ये क्या हो गया कांस्टेंट जैसे मान लो अगर हम हो रहे गामा अगर आपका प्रेशर है के गामा एलसी तो ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट रह गया ए गामा एलसी क्लियर है बात तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका एल टू है दिस लेंथ इज एल टू दिस इज एल टू ठीक है तो अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे जरा चेक करो तो जरा चेक करो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे चेक करो कैसे बनाएंगे एकदम बेसिक तरीका वही है सर आपका जो क्यू एंड बियरिंग है दैट इज नथिंग बट अगर मैं बोल रहा हूं टोटल लेंथ आपका क्या है एल है तो गामा एल एंड क्यू दिस इज क्यू एंड बियरिंग राइट दिस इज योर क्यू एंड बियरिंग राइट अब मेरे दोस्त अगर मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज क्यू साइड फ्रिक्शन तो अगेन इसको दो पार्ट में बांट दे रहा हूं क्यू एस एफ वन और क्यू एस एफ टू अगर मैं क्यू एस एफ वन की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं टैन डेल्टा इनटू एवरेज स्ट्रेस के गामा एलसी डिवाइडेड बाय टू एंड व्हाट इज द एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग नथिंग बट पाई डी एल सी कोई डाउट नहीं प्लस अगर मैं दूसरे पोर्शन का बात कर रहा हूं तो डेट इज स्टैंड डेल्टा के गामा एलसी क्या यही स्ट्रेस हो जाएगा क्या के गामा एलसी क्या यही आपका स्ट्रेस हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ पाई डी इनटू एल टू नॉट एल सी मल्टीप्लाई विथ पाई डी एल टू बोलो मेरे दोस्त मजा आ गया क्या तो सर अगर एक कॉन्सेप्ट पता है तो बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट आप सीख लो बेसिक वही लग रहा है फॉर्मूला यहां सेट हो रहा है कुछ रटने का जरूरत नहीं है कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है सब यहां से सेट हो जाता है सब यहां से सेट हो जाता है मेरे दोस्त मैंने पहले ही बोला था ऑल दो इट इज रिटेन द क्रैश कोर्स ऑल दो इट इज रिटेन द क्रैश कोर्स बट ऐसा कोई मोमेंट नहीं आने दूंगा जब दिमाग को लगेगा कि दिमाग क्रैश हो चुका है कोई ऐसा मोमेंट नहीं आने दूंगा जब दिमाग को लगेगा कि दिमाग क्रैश हो चुका है जियोटेक में एंड पे आ चुका हूं एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ऐसा ना हुआ होगा कि आपका दिमाग क्रैश हुआ होगा कोई भी ठीक है सर तो इस फेनोमेना बोलते हैं आर्चिंग इफेक्ट दि से आर्चिंग इफेक्ट ठीक है तो आपसे ऑब्जेक्टिव कहीं पूछा तो ओके so this is about your analytical method or static method ठीक okay. है now what we are going to learn is the dynamic method what we are going to learn is the dynamic motivation चाहिए यार तुमलोग बहुत motivation इतना कैसे demotivate हो जाते हो बे इतना कैसे demotivate हो जाते हो ऊपर लेके आओ भाई इतना कैसे तुम लोग डिमोटिवेट हो जाते हो है? हर दिन तुमको मोटिवेशन ही चाहिए देखो यहां पे, तो क्या बोलता है एक लाइन है ऑलवेज बिलीव डेट समथिंग इज अबाउट टू हैपन भाई क्या मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है भले ही तुम कितने भी टफ से टफ सिचुएशन में क्यों ना हो हमेशा ये सोचना है कि हो सकता है कल का जो दिन आएगा मेरे लिए खुशियां लेके आएगा कल का जो दिन आएगा मेरे को एक अच्छी एनर्जी लेके आएगा है ना कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे है ना अच्छे दिन आ तो गए अच्छे दिन आ तो गए जहां लाखों का कोर्स मिलता था जिन टीचर्स आप लाखों का अमाउंट पे करते थे पढ़ने के लिए आज उन्हीं से पढ़ने के लिए या तो फ्री प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो या तो, तो तुम पाँच हज़ार छः हज़ार के पेड कोर्स में पढ़ रहे हो तो ये तो हो गए अच्छे दिन और क्या चाहिए राइट right. सो so, मेरे दोस्त समय आता है आपको अपने पे भरोसा करना है कि यस यू कैन डू इट दैट बिलीव यू शुड हैव इन योर That believe you should have in yourself. You have in yourself. यार हम जहां खड़े हैं ना वो बेस्ट जगह है That believe you should have कि हम अगर आने वाला दो तीन महीना है ना हम उसमें रिजल्ट निकाल के रहेंगे लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ठीक है हमको अपना मोर देन हंड्रेड परसेंट देना ये प्रॉमिस खुद से करना होगा किसी भी दिन लैग नहीं करना है अभी जो आने वाला तीन महीना है ना इस तीन महीना को पकड़ लो ये तीन महीना तुम्हारा है और जो दिवाली जिन्होंने नहीं मनाई है ना ये आपको भरोसा दिलाता हूँ रिजल्ट वाले दिन तुम्हारी दिवाली होगी रिजल्ट वाले दिन तुम्हारी होली होगी याद रखना ये बात ठीक है तो सर बी पॉजिटिव इन योर लाइफ सूर्य हर दिन सेट करता है और अगले दिन ऊर्जा पैदा करता है ठीक है तो हर दिन तुम्हारे साथ होगा आप पढ़ोगे डीमोटिवेट होगे लेकिन कुछ ऐसा आपके सामने खड़ा रहेगा आपको वापस से लिफ्ट करने के लिए तो याद रखना जीवन में बात चलिए ट स्टार्ट लेट स्टार्ट देखो पे, देखो पे। तो मेरे तो दोस्त डायनामिक मेथड में हम क्या कर रहे हैं जितना हम क्या बोल रहे हैं जितना हम क्या बोल रहे हैं, जितना भी एक्सटर्नल डन है जो भी आपका एक्सटर्नल डन है वो सारा स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ठीक है वो सारा स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ठीक है आप समझोगे यहां पे ध्यान से लेट अस से ये आपका पाइल है दिस इज द पाइल और इसके ऊपर से एक लोड आ रहा है हैमर हैमर दिस इज द वेट डब्ल्यू फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच ठीक है तो इस हाइट के कारण ये कुछ नीचे जाएगा एंड ऑल्सो जो पाइल है वो सेट करेगा द पाइल विल पेनीट्रेट बाई अमाउंट इन द ग्राउंड यस और नो द पाइल विल पेनीट्रेट बाई अमाउंट इन द ग्राउंड एंड ऑल्सो देर विल बी डिफॉर्मेशन ऑफ द पाइल दोनों होगा देखो यहां पे, देखो यहां पे, तो मेरे दोस्त द पाइल विल पेनिट्रेट इन साइड दिस इज द पेनिट्रेशन पर ब्लो इसको हम बोल रहे हैं एस सेट और देयर विल भी देर वि जब यह लोड लगेगा तो फर्दर क्या होगा डिफॉर्म करेगा क्योंकि वी आर डीलिंग विदिफॉर्मेबल बॉडी हम रिजिड बॉडी से तो डील कर नहीं रहे इफ आई से लोड कैरिंग कैपेसिटी क्यू यू है ना इफ आई से लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ क्यू यू तो वर्ड डन एक्सटर्नल कितना है डब्ल्यू इन टू एच और अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो Q अल्टीमेट इंटू एस प्लस सी क्यू अल्टीमेट इंटू एस प्लस सी तो यहां से मेरा फॉर्मूला बन गया Q अल्टीमेट अपॉन एस प्लस सी एक जनरल फॉर्मूला आपका बन गया इस तरीके से ठीक है याद रखने का तरीका है बस देखो यहां तो मेरे दोस्त यहां पे जो हैमर है तीन तरीके का हैमर है एक है ड्रॉप हैमर ड्रॉप हैमर मतलब क्या हुआ ड्रॉप हैमर भैया उतना जाना नहीं है उतना काम नहीं है मेरे को वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा कि नहीं होगा देखो यहां पे ड्रॉप हैमर मतलब क्या हुआ लिफ्ट किया आपने फ्री ड्रॉप ऐसा हमने कोई टेस्ट में किया था वी हैव लिफ्टेड द हैमर और फ्रीली ड्रॉप कर दिया ऐसा किसमें किया था याद करो कौन सा वो टेस्ट है जिसमें आपने किया था आपने हैमर को लिफ्ट किया है और फ्रीली ड्रॉप कर दिया है वेरी गुड आदित्य बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बहुत बढ़िया क्या बात है अमित भावे क्या बात है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया क्या बात है ती, सर ये फीलिंग्स आया कि रट के आ गया ये जो बात आप बोले हो ये विजुलाइजेशन से आया ना ये रट के नहीं आया जिन्होंने विजुलाइज किया तो उन्हीं को आया ये बाकी तो चलो देखो मैं दिस इज इन द केस ऑफ ड्रॉप हैमर ठीक है अब अगला अगर हम बात करते सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर तो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में क्या होता है ना सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टीम यू हैव लिफ्टेड अप, या मैनुअल लिफ्टिंग नहीं है स्टीम की मदद से आपने लिफ्ट किया और फ्रीली ड्रॉप किया ठीक है विद द हेल्प ऑफ द स्टीम यू लिफ्टेड फ्रीली ड्रॉप ठीक है व्हेन आई टॉक अबाउट द डबल एक्टिंग स्टीम हैमर तो बताओ तुम क्या होगा सिंगल एक्टिंग में लिफ्ट करते समय आपने स्टीम दिया है और ड्रॉप फ्रीली हुआ है डबल एक्टिंग में क्या होगा व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम हैमर व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम हैमर बोलो 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 वेरी गुड डबल एक्टिंग क्या होगा राइज भी फॉल भी विद द हेल्प ऑफ स्टीम राइज भी फॉल भी विद हेल्प ऑफ स्टीम तो जब फॉल करेगा सोच के देखना यहां पर जब फॉल करेगा तो क्या एक्स्ट्रा लोड लग रहा होगा जो डब्लू है जो हैमर का वेट है वो तो लग ही रहा होगा लेकिन जब स्टीम की मदद से नीचे आ रहा होगा तो आपको लगता नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा लोड आ रहा होगा बोलो 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 कॉन्सेप्ट है सर रट्टू तोता तो नहीं है कुछ यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट है अब मैं बोलू ये सब गेट में नहीं पूछेगा लेकिन सर हमको पता होना चाहिए क्या है नहीं तो कुछ नहीं होगा अब फॉर्मूला याद ही नहीं रख पाओगे ठीक है देखो यहाँ पे तो सर अलॉइबल लोड एंड सेफ लोड समझोगे यहाँ पे ध्यान से okay. So, अगर हम बात कर रहे हैं क्यू सेफ दिस वी राइट एज क्यू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको क्या लिख रहे हैं डब्ल्यू एच अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एस प्लस सी ये जो फॉर्मूला है ये आ रहा है फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर ड्रॉप हैमर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर ठीक है और दूसरा है मेरे दोस्त W प्लस मैंने अभी बोला ना कि भैया जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण बढ़ जाएगा सो so जो पिस्टन है दैट इज द प्रेशर ऑफ द पिस्टन एरिया ऑफ पिस्टन H अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन टू एस प्लस दिस इज इन द केस ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम पे फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी क्या आप लेते हो जनरली सिक्स होता है फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी सिक्स ठीक है हाँ एकदम एकदम देखो यहां पे देखो यहां पे अब कुछ बातें हैं जो समझो यहां पे व्हाट इज एस एस रेफर्स टू पेनिट्रेशन जो पाइल पेनिट्रेट कर रहा है तो पेनिट्रेशन पर ब्लो ऑफ हैमर पर ब्लो ऑफ हैमर तो द पेनिट्रेशन पर ब्लो ऑफ हैमर ठीक है ना पेनिट्रेशन पर ब्लो ऑफ हैमर तो अगर आपके पास ड्रॉप हैमर है इफ यू हैव ड्रॉप हैमर तो इन द केस ऑफ द ड्रॉप हैमर टेक द एवरेज पेनिट्रेशन और फाइव ब्लोज पांच ब्लो आप दे रहे हो तो उसमें एवरेज पेनिट्रेशन लेंगे तो डैट इज द केस ऑफ ड्रॉप हैमर ठीक है डैट इज द केस ऑफ ड्रॉप हैमर अगला हम बात कर रहे हैं टीम हैमर चाहे वो सिंगल है डबल टीम हैमर यहां पे क्या लेंगे एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ 20 ब्लोस 20 ब्लोस का एवरेज 20 ब्लोस एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ 20 ब्लोस ठीक है बात 20 ब्लो मारेंगे तो उसमें पर ब्लो जो सेट आ रहा होगा उसका एवरेज निकाल रहे होंगे और फिर यहां पे बता रहे होंगे इन द केस ऑफ द स्टीम हैमर अगला आपका सी जो सी का वैल्यू है दिस इज 2.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन द केस ऑफ ड्रॉप हैमर ड्रॉप हैमर में कितना बोल रहे हैं हम यहां पे 2.5 सेंटीमीटर और दूसरे में कितना बोल रहे हैं पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर इन द केस ऑफ स्टीम हैमर इन द केस ऑफ स्टीम हैमर क्लियर है बात तो मेरे दोस्त यहां पर डब्ल्यू प्लस एपी इंटू है चपॉन एफ इंटू एस प्लस सी डब्ल्यू प्लस एपी इंटू है अच्छा, दूसरा यूनिट की बात कर लेते हैं याद करना है ये ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है याद रखना पड़ेगा ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा इंजीनियर्स फॉर्मला आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है देखो यहां पे तो हम जनरली यहां पे क्या देख रहे हो ये W किस में देंगे किलो न्यूटन में H किस में देंगे सेंटीमीटर में ये S और ये C ये किस में होगा सेंटीमीटर में तो अगर आप ये दे रहे हो तो सेव सेफ किस में आएगा अगर आप इस यूनिट्स में दे रहे हो तो सेव सेफ किस में आएगा बताओ ये जो Q सेफ आ रहा है सी ड्रॉप हाइट नहीं है ड्रॉप हाइट है भाई क्या करता है यार H इज द ड्रॉप हाइट हा दिस विल कम इन किलोन्यूटन न्यूटन बहुत बढ़िया क्लियर है।, है बात दूसरा यहां पे देख लो अगर यह वाला वैल्यू आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो करस्पॉन्डिंगली यह मीटर स्क्वायर में होना चाहिए तब आप इक्वेट कर सकते हो समझ में आ गया अरे बोलो इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल तो यही चीज आपको काम आएगा बाकी कुछ काम नहीं आएगा यही चीज आपको काम आएगा बाकी कुछ काम नहीं आएगा सो दिस इज इन द केस ऑफ इंजीनियर्स फार्मूला दिस इज इन द केस ऑफ इंजीनियस फॉर्मूला इलेस फॉर्मूला दिस द फॉर्मूला एडोप्टेड बाई आई एस मेथड ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है देखो यू अल्टीमेट इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच अब हैमर की एफिशियंसी और ब्लो की एफिशियंसी ये दोनों होगा अपॉन एस प्लस सी बाई टू एस वाई ए सीवाई ए डब्लू वाई एच वाई है। अंतर क्या आएगा एफिशिएंसी ऑफ हैमर एनएच स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ हैमर सवाल में आपको दिया होगा एफिशिएंसी ऑफ हैमर एनबी स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ ब्लो ये भी आपको सवाल में दिया होगा एक फॉर्मूला है डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी है ना माइनस डब्ल्यू प्लस ई पी का होल सके वो सब नहीं पढ़ना है वो सब आपके गेट के लिए नहीं है एफिशिएंसी ऑफ़ ब्लू। ठीक है मेरे दोस्त एवरेज पेनिट्रेशन यार देखो ड्रॉप एमर क्या बोला कि मानो आपने एक मारा फ्रीफॉल कराया आपका कुछ अमाउंट से नीचे सेटल किया पहले ब्लो में तो ड्रॉप एमर में वो निकालने के लिए कि एवरेज वैल्यू कितना पांच ब्लो ऐसा मारेंगे टीम में ऐसा कर लिया बीस ब्लो मारेंगे ठीक है समझ में आया बात समझ में आया बात तो दिस इज इन द केस ऑफ हिले फॉर्मूला दिस इज इन द केस ऑफ हिले फॉर्मूला राइट राइट चलो गुड दिस इज इन द केस ऑफ हिले फॉर्मूला गुड सर बहुत बढ़िया राइट तो डायरेक्ट सवाल आता है मेरे दोस्त यहां से हम लोग आज का क्लास यहीं पे बाइंड अप कर उसका रीजन है कि आपका जो फील्ड मेथड है उसके पहले हमको कुछ नुमड़ीकल करना है और नुमड़कल में मेरे को टाइम देना है तो अब आपका यहां से अगर मैं थ्योरी बात करूँ तो थ्योरी इज रफली वन आवर और है नुमडिकल आवर तो आवर थ्योरी आवर खत्म ओवर इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आवर आवर थ्योरी ओवर विल विल टुमारो ठीक है बोलेगा तो सर कल आपका आखिरी क्लास है कैसा फीलिंग आ रहा है कल आपका जियोटेक का आखिरी क्लास है तेरह में तेरह हो रहा है कैसा फीलिंग आ रहा है अवर डाउट इन वन क्वेश्चन आप अभी बताएंगे या बाद में डाउट पहले बोलो जो या बताने लायक बता देंगे हाँ सर तेरा में तेरा भाई मैंने पहले भी बोला था प्रॉमिस किया था कि अगर आपने कंटेंट को प्रॉपर किया तो सर आपको तेरा में तेरा मिल जाएंगे शॉर्ट तो नोट्स कल अपलोड हो जाएगा संडे में और प्रैक्टिस करेंगे दम करेंगे दम करेंगे संडे वी आर गोइंग टू तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस डे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन का इन्फो मैं देख लेता हूं एक बार मैं एक बार देख लेता हूं फिर बताता हूं थर्टी मेरे ख्याल से उस स्लॉट पे बताया तो था इंजीनियरिंग मैकेनिक शुरू हो रहा है सिक्स थर्टी पे सात तारीख से इंजीनियरिंग मैकेनिक शुरू हो रहा है और उसी दिन मेरे स्लॉट पे आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू हो रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भाई मैकेनिक सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय गौतम गुप्ता सर ठीक है क्लियर है पॉइंट? बोलो बोलो बोलो। मैं मंड आपको फ्राइडे या सैटरडे या संडे से नहीं शुरू करना चाह रहा था इसलिए वो सात तारीख को किया है। ठीक है सो फ्रॉम मंडे दीज टू सब्जेक्ट्स आर स्टार्टिंग वन इज स्ट्रक्चर एनालिसिस अदर इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अबे डीपीपी है डीपीपी के बगल में वहां पे डीपीपी देख रहे हो ना उसके बगल में डीपीपी पीडीएफ देखो मिल जाएगा रैंकाइन सिलेबस नहीं पढ़ तो लिए रैंकाइन अब कैसे पढ़ोगे चलो सॉम तो अभी तो हुआ सर करा तो दिए सोम करण भाई सोम हो गया अनिरुद्ध सर ने करा दिया है डीपीपी सेशन जो आपका वो सेशन होगा ना अभ्यास का उसी में अच्छे क्वेश्चन उठा के मैं कर दूंगा चलो आई विल बी टेकिंग द अभ्यास ऑन सैटरडे संडे डोंट वरी रिविजन का कुछ इन्फो दे दीजिए चलिए ठीक आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन डेट हाउ टू रिवाइज ठीक है तो आज के लिए अपने यही वाइंड अप करते हैं आज के लिए अपने यही वाइंड अप करते हैं आप अभ्यास में पी क्यू सारा नहीं लेंगे बेटा जो इंपॉर्टेंट पीवाई है जहां पे मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो सारे पीवाई लेंगे ठीक है देखो अभ्यास में क्या क्या होगा मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट डीपीपी क्वेश्चन एंड सम न्यू क्वेश्चन ठीक है ये तीनों मैं अभ्यास में कवर करूंगा ये तीनों मैं अभ्यास में कवर करूंगा इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट डीपीपी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट योर न्यू क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जरूरी है कराना वो मैं करा दूंगा ठीक है बाकी आप टेंशन मत है एकदम तो तो बता देंगे ठीक है चलो सो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर गुड नाइट भैया सेशन एंड ऐसे नहीं होता है चैट सेक्शन लाल पीला हरा नीला हो जाता है भाई आग लग जाती है और हैश टैग जी डब्ल्यू सोल्जर्स बन जाता है, है ना तो फटाफट कर देंगे एंड विल टेक द बाय फ्रॉम दिस साइड यस चलो चलो ओके देन बाय बाय टेक केयर गुड नाइट बाय